क्वेश्चन नंबर सिक्स, गुड इवनिंग जय, क्वेश्चन नंबर सिक्स और ऊपर है, डन। यस हाँ, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, सीधा साधा कंसेप्ट इस पर लगने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाँ तक इसमें समझ में आ रहा है वहाँ तक मैं कैरी ऑन करूँगा। सर गुड इवनिंग बेटा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें एक पार्ट बेटा यू ले लो, सेकेंड पार्ट वी ले लो। तो अपने पास ओके ओके सॉरी बेटा, यस आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, जस्ट वन मिनट। हाँ क्लियर नाउ, यस सर। ओके सो यहाँ पर देखिए, इसका एक पार्ट यू ले लीजिए और इसका एक पार्ट वी ले लीजिए, तो द फंक्शन बिकम्स एज अ फॉर्म ऑफ यू प्लस वी। या आपने यू ले लिया, अब कल मैंने सिखाया कि दोनों को कॉर्नर में ले जा करके इनको अलग अलग डील करो। तो आपने ये देखिए, इसको यू को अलग ले लिया और वी को अलग ले लिया, सो क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएट करोगे सो इट विल बी फाइनली डी वाई डी एक्स विल बिकम डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको नंबर वन दे दो, ये लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे जब ये और ये नहीं आ जाएगा। सो हाउ टू गेट डी यू बाई डी एक्स, सेपरेटली इससे बात करो, यू से ले लो बात। इसको सेपरेटली ये ले लिया, देन अपन ने लॉग ले लिया, तो लॉग एक्स का एक्स कूद गया, यहाँ आ गया। नाउ डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। बेटा देखो दो फंक्शन है, एक एक्स है और दूसरा लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स है, इसके प्रोडक्ट में है। बोलो क्लियर? यस सर। तो बस डिफरेंशिएट कर दो, तो लॉग यू का कितना हो जाएगा, वन अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स। ये तो बनता है कि फिर से बताऊँ, बताओ सर बनता है। हाँ वन बाई यू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो मे बी आपको यहाँ वाली प्रोसेस में प्रॉब्लम हुई होगी, क्यों बेटा है ना? यस सर। ठीक है तो मैं इधर वाली प्रोसेस सेल्फ कर देता हूँ, है ना। चलिए इसको करता हूँ मैं सॉल्व करके। तो मेरे पास क्या है फंक्शन, अल्टीमेटली u इज इक्वल टू x प्लस वन की पावर होल x, x प्लस वन बाई एक्स की पावर x। सो आई हैव u इज इक्वल्स टू x प्लस वन बाई एक्स की पावर x। सो लॉग ले लीजिए, सो लॉग u इक्वल्स टू, गुड इवनिंग यश, क्वेश्चन नंबर सिक्स चल रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स चल रहा है, गुड इवनिंग। सो लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स की पावर, सॉरी ये बैक करो उसको, ओके x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x। तो लॉग आगे आ जाएगा, सो लॉग u इज इक्वल्स टू x आगे आ गया और ये बन गया लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स, ये फंक्शन बन गया। नाउ अब आपको डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स बेटा ये माइक बंद कर लो, है ना। हाँ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। सो देखो कितना हो जाएगा इसको, यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बड़ा क्वेश्चन है सिक्स मार्क्स का आता, आराम से करिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। चलिए ये अब इसको, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। अब लेफ्ट वाला थोड़ा सा देख लो आराम से, तो लेफ्ट वाला जो है वो है अपने पास में log u है, तो मैं क्या करूँगा d बाई डी यू लॉग यू एंड इट विल बिकम डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। ओके फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ x प्लस वन बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डायरेक्टली वन हो जाएगा। चलो लॉग यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन बाई यू और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ये इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो डंडा मेथड, मैंने जो बताया था अब इतना फंक्शन है वो टी लेके करने से अच्छा है डायरेक्टली डंडा मेथड, लॉग पे डंडा चलेगा तो वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब आगे डंडा चलाओ, एक्स पर डंडा चलाओ, एक्स का कितना वन, और वन अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस वन, तो x की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n माइनस वन, मतलब माइनस वन x की पावर माइनस टू, मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सीधी बात माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी तो वन आ गया और माइनस वन अपॉन
एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया इतना बड़ा फंक्शन इसका, और प्लस लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स ही होगा क्योंकि इसका तो वन हो गया, कि कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, है ना, इसको सॉल्व कर दो, ये जितना सॉल्व हो सकता है उतना कोशिश कर लो। तो भैया वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, तुम बाहर बैठे रहो, देखो बच्चों एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स पल्टी मार के ऊपर, तो एक्स ऊपर आ गया और यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये वन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, कंप्लीट हो गया ये, ओके। एंड देन इसके बाद लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अब चलते हैं अगले पेज पे। ये लीजिए हम आ गए अगले पेज पे, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था, चलो ये आ गया लॉग वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स। सो वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स है, चलो भाई एक्स का मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स के साथ कर दूँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स जो हुआ वो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। चलो तो ठीक है, अब u को ऊपर ले आओ, सब कुछ काम निपट चुका है, तो du बाई डी एक्स की दरकार थी हमें, तो u ऊपर आ गया और ब्रैकेट में ये पुट पट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ओके, एंड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब u की वैल्यू पुट करिए, तो u हमें क्वेश्चन में दिया था, तो u कितना भैया x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x, तो चिपका दो बिल्कुल उसको वैसे का वैसे ही, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू की जगह x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x, और ब्रैकेट में ये बड़ा सा फंक्शन, ये एक खतरनाक सा दिखता हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस वन बाई एक्स। चलिए ये हो गया फंक्शन, इस फंक्शन को उठाइए और जहाँ पे du बाई डी एक्स था वहाँ पे इसको अपन को लगा देना है, तो du बाई डी एक्स मेरे को स्टार्ट में लेना था, मैंने लिखा नहीं है उसको, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, इसको लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगले पेज पे तो मेरे पास क्या बना था, dy बाई डी एक्स जो बना था एक्चुअली वो बना था du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ओके। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फिर du बाई डी एक्स तो मैं निकाल चुका हूँ, क्या निकाला हूँ ये इतना, तो इतना पार्ट मेरा आ गया एज अ फॉर्म ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब अगला पार्ट मुझे डी वी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक ना, एक बार मैं डी यू बाई डी एक्स चेक कर लूँ कि सही है कि गलत है, ये तो यहाँ पे यूज़ हो गया, मैं क्यों लिखूँ इसको, तो ये डी यू बाई डी एक्स है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही किया कि गलत किया। चलिए आ जाते हैं कम बैक, सो भैया डी यू बाई डी एक्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो बिल्कुल सही है, पावर लगी है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी है और ये भी है, मतलब मेरा बिल्कुल सही है, मुझे तीन नंबर तो मिल गया छः में से यहाँ पर, अब बाकी के तीन नंबर के लिए मुझे डी वी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो चलिए डी वी बाई डी एक्स क्या है, वी इज इक्वल टू एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स है, चलो कर देता हूँ इसको सॉल्व। सो वी मेरे क्या क्या है, वी इज इक्वल टू एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन एक ही तरीका है, लॉग ले लो भाई, सो लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू पल्टी मार के लॉग हुई है, नीचे आएगा कोफिशियंट इसका पावर वन बाई एक्स, और ये क्या बन गया लॉग एक्स, दो सुंदर सुंदर फंक्शन दिख रहे हैं, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। अब जल्दी बार डिफरेंशिएट करूंगा, टिंग टोंग घंटी बजेगी, वी दे दो तो हो जाएगा वन अपॉन वी और उधार का माल वापस डी वी बाई डी एक्स। चलिए फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, वन प्लस वन बाई एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, भाई वन का जीरो और वन अपॉन एक्स का तो मुझे याद हो गया यार, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन एक्स होता है एक्स की पावर माइनस वन, और इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, यानी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, आप लोग भी याद कर लो इतने छोटे छोटे, कब तक बार बार कंप्लीट करोगे इसको। तो वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, चलो मल्टीप्लाई कर दो, वन अपॉन एक्स का एक्स के साथ किया, एक काम करो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन
और एक एक्स ही और एक एक्स ही, तो कुल मिला के हो गया कितना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, अच्छा माइनस आएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। चलो वी की वैल्यू ऊपर ढोल दो तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। वी की वैल्यू पुट कर दो, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है भैया, एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपना डी वी बाई डी एक्स। तो खोपचे का काम हो गया, अब इसको उठाओ ना, अभी इसको अपन कल्टी में लेके आए थे, अब इसको सामने लेके जाओ। ये उठाया यहाँ से और कहाँ ले गया भैया, पीछे वाली स्लाइड में, ये देखो यहाँ पे आंसर बनाना है मेरे को, ये उठा लिया, अब इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ये आ गया अपना आंसर प्लस करके, ये देखिए है ना। तो डी वी बाई डी एक्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डी वी बाई डी एक्स है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके तो चेक कर लेता हूँ आंसर में, एक्स की पावर वन बाई एक्स ऐसा कुछ आ रहा है, चलो चेक करता हूँ सही है कि गलत है। चलो 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 चलो, हाँ अब देखो जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, एक्स की पावर वन बाई एक्स है, इन दोनों ने मर्ज कर दिया है, मैंने मर्ज नहीं किया है तो कर देता हूँ मैं मर्ज। ये देखो जी तो क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, और अगर मर्ज कर दूंगा तो एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स प्लस वन और माइनस का लॉग ऑफ एक्स। लियो जी आंसर आ गया, ओके एक्स प्लस वन माइनस का लॉग एक्स, बिल्कुल सही है। ओके आप लोग एक बार और देख लो, एक्स प्लस वन माइनस का लॉग एक्स, और ये मुझे मिल गए छः में से छः। चलिए बताइए बच्चों क्या नहीं समझ में आया, क्लियर है मुस्कान आपका डाउट था, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलो और बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहा ना आपने? यस सर। मतलब आपने 8 9 10 7 8 9 पूरे कर लिए, वेरी गुड। 7 8 9 में और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रोको मुझे, बताओ कहाँ पे डाउट है। 7 done 8 done 9 done, नाउ वी आर ऑन 10 क्वेश्चन, आ जा भाई 10। ओके डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे यार ये वाला पार्ट तो बहुत सरल है मुस्कान, और ये वाले पार्ट में भी कुछ करने को खास है नहीं, बस यू और वी ले लो, लियो भाई यू और वी ले लो किस, ये तो और ईजी है क्योंकि इसमें तो लॉग भी नहीं लगेगा, ये तो डायरेक्टली डिविजन मेथड से हो जाएगा। हाँ बट यू लेने की मजबूरी है तो वी तो लेना ही पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू यू प्लस वी, तो डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। चलो खोपचे में ये एक्स इक्वल टू एक्स की पावर कॉस एक्स, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लॉग ले लो, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स ऊपर से आ गया लॉग एक्स, दो फंक्शन बन गए बेटा, एक बन गया एक्स कॉस एक्स और दूसरा बन गया मल्टीप्लाई में लॉग एक्स, ये दो बन गए। चलो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए राइट साइड में देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू, ये इतना जो बड़ा दिख रहा है ना ये उसको खोल खाल डाला है इसने मल्टीप्लाई करके, अब आप खोलोगे तो यही बन जाएगा, मैं कर देता हूँ देखो यहाँ पे कर देता हूँ, किसका करना है मुझे फर्स्ट इंटू सेकेंड का, देखो तो इधर ही मैं कर देता हूँ, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स कॉस एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, भाई लॉग एक्स का क्या होगा वन बाई एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो बेटा फर्स्ट में दो लोग मल्टीप्लाई में हैं तो फिर से इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का क्या हो गया वन। चलो ये हो गया ब्रैकेट काम पूरा, खोल खाल डालो इसको, तो एक्स से एक्स कैंसिल, अच्छी खबर कॉस एक्स ये हो गया, प्लस लॉग एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग एक्स ब्रैकेट में कितना, अब देखो ये प्लस में जा रहा है तो एक काम करता हूँ मैं पहले इसको आगे लिख लेता हूँ, तो कॉस एक्स इंटू वन कितना कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, लियो पूरा खुल गया। और अब आने वाली है ये है वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए ऊपर आ जाएगा यू कूद करके, तो यू की वैल्यू ही पुट कर दूँ मैं, क्यों इतना परेशान हूँ, यू की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, तो एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स ये रख दी मैंने वैल्यू, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, बाकी पूरी पार्टी अंदर कर दो, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, तो एक्स को आगे ले लो अच्छा लगेगा और साइन एक्स को पीछे ले लो, ये भाई आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो बस देख लेता हूँ एक बार मैं सही है कि नहीं है मेरा,
देखो एक्स की पावर कॉस एक्स, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स बिल्कुल सही है, फिर कॉस एक्स है और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अरे कोई बात नहीं, कॉमन ले लो, कॉस एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 यहाँ से हो, यहाँ से लॉग एक्स तो बिल्कुल सही आ रहा है। और माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, चेक कर लेता हूँ, माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स बिल्कुल सही है, तो डी यू बाई डी एक्स। बोलो निकाल लोगे बेटा कि नहीं निकाल पाओगे। यस चलो अब दूसरा पार्ट भी, ये तो डिवीजन रूल लगाना है भाई सीधे इसमें, तो इसमें आप तो डिवीजन रूल लगा करके कर दो, लॉग लेने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है इसमें। लॉग ले लो ठीक है, अच्छी बात है, ना भी लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉग से भी कर सकते हो डिवीजन से भी कर सकते हो। डिवीजन वाला कैसा, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएटर वाला जो लगता है ना, वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। चलो मैं बता देता हूँ तो कैसे करेंगे, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करना है, डायरेक्टली डी वी बाई डी एक्स, डायरेक्टली कोई लॉग का पंगा ही नहीं है, लॉग ले लोगे तो 1 अपॉन हो जाएगा, वो भी सही है ये भी सही है। चलो रूल क्या होता है, फल गिरा नीचे वाला देखेगा ऊपर वाला खाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर जो बच गया ऊपर वाला देखेगा नीचे वाला खाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 2x हो गया, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मन में लड्डू फूटा, 2x बाहर आ रहा है मेरे को, ले लो 2x बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया और माइनस खुल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, कैंसिल कैंसिल कट गए और नीचे कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि हो गया माइनस 4x। तो ये बन गया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स। चलो चेक कर लूँ तो माइनस 4x अपॉन बिल्कुल सही आ रहा है, देख लो ये आ गया, आ गया। अब बस दोनों को जोड़ करके लिख दो, ये माइनस इसलिए आया क्यों, क्योंकि प्लस साइन तो था बट ये माइनस अपना आया तो माइनस हो गया। बोलो क्लियर बच्चों, यस सर। और बताओ बच्चों क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 कितने हैं यार क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा डाउट है। कोई सर नहीं है, इसके आगे इसके आगे किए नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है आज इसके आगे कर लेना, मैं अगली मेथड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगली मेथड भी बहुत ईजी है, तो मैं अगली मेथड पढ़ा रहा हूँ बच्चों। जय यशराज, समझ में आया प्रॉब्लम जो कराई मैंने तुम लोग को, चलो ठीक है। हाँ अब मैं अगली क्वेश्चन करा रहा हूँ, जय है क्लास में, आवाज़ नहीं आ रही जय की, जय रिप्लाई कर बेटा, अगली क्वेश्चन देखते यस सर। ओके समझ में आ गया जय, यस सर। चलो आप अगला हेडिंग डालो बच्चों, फॉर्मेट नंबर कौन सा है यार, 7, फॉर्मेट नंबर 7 डालो भाई हेडिंग, फॉर्मेट नंबर 7, फॉर्मेट नंबर 7 कौन सा फॉर्मेट है भाई, ये इसका नाम है डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म, समझ गए। अब पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि एक्स एक वेरिएबल है, जो एक्स जो है वो भी टी का फंक्शन है, मतलब एक्स की दोस्ती टी के साथ है और वाई की दोस्ती भी टी के साथ है। ये देखिए y की दोस्ती भी किसके साथ है, t के साथ है, मतलब x t पर डिपेंड करता है और y भी t पर डिपेंड करता है, मतलब मैं क्या कहूँगा, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। अब मैं x और y को डायरेक्ट नहीं जान कोई रिलेशन बना रहा हूँ कि x और y पे कोई रिलेशन है, बट मैं आपसे बोलूँगा बताओ y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है, यही तो होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब y का बदलना किसके साथ, x के बदलने के रिस्पेक्ट में। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझो, मान लो t कोई बंदा है लोकेश, ओके मैं कहूँ कि जो जय है वो लोकेश का 2 गुना रफ्तार से खाना खाता है, और मैं कहूँ जो निशांत है y वो लोकेश सर के 3 गुने रफ्तार से खाना खाता है, तो जय कितने रफ्तार से खाना खा रहा है, 2 गुने रफ्तार से, और जय कितने, ये कितने रफ्तार से खाना खा रहा है, 3 गुने रफ्तार से। तो मैं पूछूं कि ये बताइए कि निशांत जय के रिस्पेक्ट में कितनी रफ्तार से खाना खाएगा, मतलब दोस्ती किसकी है, जय की लोकेश से है, निशांत की लोकेश से है, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि निशांत
जय के रिस्पेक्ट में कितनी रफ्तार से खाना खाएगा, मतलब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू लोकेश सर, जय का चेंज लोकेश सर के रिस्पेक्ट में कितना है, टू है। फिर निशांत का जो चेंज है वो लोकेश सर के रिस्पेक्ट में कितना है, थ्री है। अब मैं पूछूंगा कि निशांत जय के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको निकालना है निशांत का चेंज मतलब डेल्टा वाई, जय के चेंज के रिस्पेक्ट में मतलब डेल्टा एक्स, जिसी को अपन कैलकुलस में बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप बता सकते हो कि सर आपने हमें देखो डी वाई बाई डी टी दे रखा है और आपने हमें डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, अगर सर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी टी से डी टी मर जाएगा और केवल क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आप बोलोगे अच्छा सर निशांत का चेंज है थ्री का और जय का चेंज है टू का, तो निशांत का जय के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो क्या होगा, थ्री बाई टू रेट से होगा। समझ में आ गया ना, कुछ कटना होता तो कट जाता है, यानी 1.5, मतलब जो निशांत है वो जय के रिस्पेक्ट में डेढ़ गुना रफ्तार से तेज से खाना खा रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर आ गया। हाँ तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन पैरामीट्रिक फॉर्म। जब अपन डायरेक्ट नहीं भिड़ाते हैं, अपन दूसरे का यूज़ करके भिड़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आओ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखो जी, क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 80 की पावर 4। बड़ी अच्छी बात है, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर वाई इक्वल टू 80 की पावर 4 कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। लो जी, तो एक्स दिया है 280 स्क्वायर, तो 280 स्क्वायर का पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लो। क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर, तो चलो डी एक्स बाई डी टी कर दो। कौन है वेरिएबल, टी है, बाकी मत छेड़ो किसी को, टू ए है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी की भाषा में कितना होगा, टू टी बाई टी स्क्वायर है और फंक्शन भी इंजेक्शन भी टी का है, तो कितना हो जाएगा, टू टी। तो टू टू ज़ा फोर, मतलब कितना आ गया बंधु, 480। चलो अगला क्या है, वाई, वाई इज इक्वल टू कितना है, 80 की पावर 4, 80 की पावर 4 कर दो डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी 80 की पावर 4, ए बाहर, टी की पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4t³, खेल ख़त्म। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं, डी वाई बाई डी टी में वाई के रेट में एक्स के रेट का डिवाइड दे दो, तो वाई का रेट कितना था, 4at³, एक्स का रेट कितना था, 480, ये निकालना ऊपर, एक्स का रेट 480, 4a से 4a कैंसिल, तो t³/t कितना आ गया बच्चों, t का स्क्वायर, ये देखो t का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन भी बच्चों यही है, देखो इसमें थीटा दे रखा है बीच का बंदर, तो इसमें क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि इसमें दोस्ती किसके साथ में, थीटा के साथ में, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कर लोगे। Yes, sir. अगला वाला देखो फिर से टी की भाषा में है, तो बच्चों डिफरेंशिएट कर लेना। अगला वाला देखिए क्या है, एक्स एंड वाई आर द कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, एक्स है टी है, फिर से ये डिफाइन करना है। अरे यार कितने बकवास क्वेश्चन दे रखे हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अगला वाला देखो फिर से थीटा की भाषा में है, तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा फिर से थीटा की फॉर्म में आ गया, फिर से कर लो। फिर से यहाँ टी की फॉर्म में आ गया, देखो फिर से कर लो। ओके यहाँ पर टी की फॉर्म में आ गया, आप इसको फिर से कर सकते हैं, तो कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं बट सबका एक ही तरीके का। या देखो एक्स टी की फॉर्म में है, ये भी कर सकते हो आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका आराम से बन जाएगा आपसे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखो थीटा की फॉर्म में आ गया, तो डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा ये फिर से थीटा की फॉर्म में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ये किसकी फॉर्म में है, 11th वाला एक्स की फॉर्म में, टी की फॉर्म में है, तो इसको वैसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और ये आपकी एक्सरसाइज हुई फिनिश, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ, अगली एक्सरसाइज का नाम लिखो बच्चों डबल डेरिवेटिव। अगली एक्सरसाइज का नाम है डबल डेरिवेटिव। क्या हुआ, पानी आ गया क्या? हाँ ठीक है, बोल देता हूँ। अरे युवराज, क्यों डुगू, या पानी भर लेना, पानी आ गया। देखो डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं जी।
अब देखो डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। बच्चों हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो वन टाइम, तो वन टाइम डिफरेंशिएट करना मतलब डी वाई बाई डी एक्स लगाना। तो डी बाई डी एक्स आप किसके ऊपर लगाओगे, एफ एक्स के ऊपर। बेटा इसको एफ एक्स के ऊपर डी बाई डी एक्स लगाने को बोला जाता है एक बार डेरिवेटिव निकालना बेटा एफ डैश एक्स। अब इनके कुछ और नाम चलते हैं केवल आप लोग को परेशान करने के लिए। तो इनके कौन कौन से नाम चलते हैं, आपके जो जो नाम चलते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, वाई डैश चलते हैं या इसी को वाई वन बोलते हैं बच्चों, है ना। केवल आपको परेशान करने के लिए नाम बनाए गए हैं, एक वाई वन बोला गया है और एक इसी को वाई डैश बोला गया है और कुछ नाम नहीं। तो इन नाम को थोड़ा पीछे लिख लो क्योंकि अगर ये आगे लिख दूंगा ना तो आपको ये अशांति पैदा करेंगे। तो इनको मैं नाम को पीछे लिख लेता हूँ, इसी को बोला गया, इसी को बोला गया बच्चों वाई वन, ठीक है ना। हाँ तो वाई क्या होता फंक्शन, अब एक बार डिफरेंशिएशन को डी वाई डी एक्स बोलते हैं, इसी को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोलते हैं, इसी को एफ डबल डैश एक्स बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं वाई डैश। चलो अब एक बार क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। क्या करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, किसका जो था पहले, कौन था डी वाई बाई डी एक्स। तो जब दो बार डिफरेंशिएशन करते हो तो बेटा एक नई चीज़ निकल करके आती है जिसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो ये कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना इसका सिंबल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। सिंबल देखो ध्यान से, डी टू वाई मतलब वाई का डबल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन, तो ऊपर डी टू के पहले आएगा वाई, बाद में एक्स के लिए आएगा एक्स टू, ये है। तो कभी भी ये देखो मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो अपने पास पहले क्या आया था, एफ डैश एक्स आया था, तो अपन को अब किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स का। भाई पहले अपन एफ एक्स का कर रहे थे तो एफ डैश एक्स आ गया था, अब एफ डैश एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। और इसको क्या बोलते हैं आपको परेशान करने के लिए, वाई डबल डैश, और क्या बोलेंगे वाई टू, समझ गया ना। अब अगला तो आपसे बन ही जाएगा, सर तीन बार करोगे तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, और क्या बोल दोगे सर इसको, एफ ट्रिपल डैश एक्स बोल दोगे आप, और क्या बोल दोगे सर हमारी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, वाई ट्रिपल डैश बोल दोगे, और क्या बोलोगे वाई थ्री। तो बच्चों ये सिंबल लिख लो। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा वाई फोर क्या है, तो सर चार बार डिफरेंशिएशन, वाई फाइव क्या है पाँच बार, और मैं आपसे बोल दूँ वाई एन सर एन बार डिफरेंशिएशन, तो वाई एन का मतलब एन बार डिफरेंशिएशन। वाई एन का मतलब एन बार डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए चलिए अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आगे। तो एक क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं कोई भी 5.7 का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देखिए यदि आप इसको पहली बार डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स, इसको वाई वन बोल सकते हो, तो आप कैसे कर दोगे, सिंपल टू एक्स प्लस थ्री। और अब इसको इसका तो जीरो हो गया यार, इस एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया, थ्री एक्स का थ्री हो गया, अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो वाई टू, तो वाई टू मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब डी टू अपॉन डी एक्स टू, तो आंसर टू का हो जाएगा टू, इसका हो गया वन और थ्री का कितना हो गया जीरो, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा टू आ जाएगा। तो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स की पावर ट्वेंटी, भाई ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, इतने ईजी तो नहीं आते। तो डी बाई डी एक्स से तो बस बेसिक बनाने के लिए, तो ट्वेंटी एक्स की पावर कितना हो गया नाइनटीन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब एक बार और जड़ दो डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ट्वेंटी अलग हो गया, नाइनटीन अलग हो गया इन टू एन, देखो ये एक्स की पावर 19 का करोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन कितना आ गया 18, तो 19 इंटू टी कितना 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो बच्चों ये है डबल डेरिवेटिव। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं, एक बार दो बार। अब देखो इसमें दो आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा फंक्शन बना लेना, वो बन जाएगा डी बाई डी एक्स, ये वाला पहला बन गया, और फिर से इसको रगड़ दो दो बार डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा, समझ गया ना। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर, देखो लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का एक बार कर दोगे वन अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर दो बार कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना। फिर ये देखो एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो एक फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर देना तो ये आ जाएगा, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर e की पावर एक्स, मतलब वही काम है यार, उसी को वाई ले लो, एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार कर दो, तो आपको डबल डेरिवेटिव करना है, समझ गए। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आपके करने हैं। तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज भी आप पूरे इसी तरीके से कर सकते हो। इसमें एक नया क्वेश्चन मिलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग फंसो उस पर, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कौन कौन फंसा है उस क्वेश्चन में। तो कुछ नए क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और आप फंसो मैं चाहता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा। तो एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, क्वेश्चन नंबर 17 पे डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मार्क क्वेश्चन है, इसका मतलब एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन नंबर 17 मान लीजिए एग्जाम में बहुत बार आया है, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 5.8 जो है वो सिलेबस से आउट कर दी गई है, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव में है। तो चलिए आप शुरुआत करिए जल्दी से क्वेश्चन करना और अपने डाउट निकालिए। चलो स्टार्ट कर दो बच्चों। यस सर।